इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल असलम स्टूडेंट्स होप्सर फाइन एंड सेफ एज वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर फिफ्टीन बायो केमिस्ट्री एंड द नेक्स्ट टॉपिक फ्राम दिस चैप्टर इज प्रोटीन्स इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास क्या था जी कार्बोहाइड्रेट्स और जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रोटीन्स अब हम प्रोटीन की डेफिनेशन देखते हैं प्रोटीन्स होते क्या हैं हमारे पास एनिमल्स रिक्वायर प्रोटीन एज वन ऑफ द थ्री मेजर क्लासेस ऑफ द फूड अदर टू क्लासेस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स जो कि डिस्कस कर लिए हैं और थर्ड क्लास हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जो हमारे पास क्या हैं जी लिपिड्स हैं प्रोटीन्स हमारे पास हाईली मोलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं या हम इनके कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटीन हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एक और हमारे पास कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजीनियस कंपाउंड और हमारे पास प्रोटीन जितने भी हैं वो अमाइनो एसिड से बनते हैं ठीक है अमाइनो एसिड एक ख़ास तरीके से लिंक होकर हमारे पास क्या बनाते हैं जी प्रोटीन्स बना देते हैं प्रोटीन्स जो हैं वो हम कह सकते हैं आर कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस सब्सटांसिस दैट प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स आन कम्प्लीट हाइड्रोलस मतलब जब हम प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास पास क्या बनते हैं जी अमाइनो एसिड्स बनते हैं तो अमाइनो एसिड्स बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हैं जी किसका प्रोटीन्स का नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन हम बात कर रहे हैं अब ये जो फंक्शन है ये जस्ट इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करते हैं जी स्मॉल मोलिक्यूल्स को लाइक like में बात करती हूँ हमारे रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट है जी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ये बेसिकली ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करती है इसी तरह से प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ जितनी भी हैं हमारे पास वो प्रोटीन इन नेचर हैं और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे डिफेंस मेकानिज़म में काम करती हैं लाइक like जो है हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शन आ जाते हैं इलनेस हो जाती है या डिजीज़ होती हैं उनसे हमें बचाती हैं ठीक है थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रोटीन हेल्प टू स्टोर डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक हमारे पास जो है वो आयरन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है जी आयरन लिवर में स्टोर हो जाता है हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्रोटीन के साथ जिसे हम क्या कहते हैं जी फेरिटिन कहते हैं इसके अलावा जो है वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जैसा कि हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं प्रोटीन्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम रेड ब्लड सेल्स की पहले ही बात कर चुके हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इस तरह जब हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं मीन्स के एंटीबॉडीज़ जो हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करती हैं जो कि हमें डिफरेंट जर्म्स डिफरेंट माइक्रोब्स से हमारी बॉडी को बचाती हैं ठीक है इसी तरह से इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रोटीन कैटलिस्ट का, का काम भी करते हैं लाइक like हमारी बॉडी में जितने भी इन्ज़ाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में कैटालाइसिस इसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं दीज ऑल आर प्रोटीन इन नेचर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इन अमाइनो एसिड हैज टू फंक्शनल ग्रुप ठीक है व्हाट आर दोस अब उनमें हम देखें तो वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन से हैं फर्स्ट वन इज द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द सेकंड वन इज द अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन सेंसेस जितने भी अमाइनो एसिड हमारे पास वो सब के सब मिलकर क्या बना रहे हैं प्रोटीन बनाते हैं ठीक है ठीके? प्रोटीन एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है और उसको बनाने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होने चाहिए जी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए इसी तरह हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड एक ख़ास लिंकेज के थ्रू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं प्रोटीन्स बनाते हैं ठीक है ठीके? तो हम कहते हैं कि जो प्रोटीन का बेसिक जो हमारे पास यूनिट आ जाता है वो क्या है अमाइनो एसिड से. तो जब भी हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं या हम प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाते हैं अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है सेकेंडरी है टर्शरी है, है एटसेट्रा अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन प्रेजेंट है कार्बन एटम जो है वो इसके साइड्स पे हमें इसकी वैलेंसी फोर होती है तो इसमें हमारे पास ये चार बॉन्ड बनाता है तो एक तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम एन ग्रुप कहते हैं सेकेंड साइड पर हमारे पास कार्बॉक्सिल एसिड ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है जिसे सी डब्ल्यू एच कहते हैं थर्ड साइड पर आर ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है अल्काइल ग्रुप और फोर्थ हमारे पास क्या प्रेजेंट है जी हाइड्रोजन नेक्स्ट हमारे पास एसिड की के कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं लाइक ट्वेंटी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सेंसिस वैसे तो हमारी बॉडी में थाउजेंड्स की तादाद में एसिड पाए जाते हैं लेकिन वो हैं सारे कहते हैं हम कहते हैं ट्वेंटी डिफरेंट टाइप्स अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंट है और उन ट्वेंटी में भी हम डिफरेंट आगे कैटेगराइजेशन कर लेते हैं ठीक है जैसे हम कहते हैं कि दो तरह की कैटेगराइजेशन है एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है तो जो हमारे पास नाइन अमाइनो एसिड है ट्वेंटी में से वो हमारी बॉडी में जी इसेंशल हैं और जो हमारे पास इलेवन है वो क्या हैं जी नॉन इसेंशियल है इसेंशियल में हमारे पास आ जाते हैं जी हमारे पास सिस्टर आ जाते हैं हमारे पास ल्यू आ जाते हैं लाइसिन आ जाते हैं मैथ्यू आ जाते हैं एट्सक्ट्रा और जो फर्दर हमारे पास दूसरे जो इलेवन है उसमें हमारे पास एला आ जाते हैं सिस्टीरिन आ जाते हैं सिस्टी सिस्टीन आ जाते हैं एटसेट्रा अब इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते कौन से हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर अमाइनो एसिड्स विच आर कैन विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज़ नहीं करती तो उसका मतलब है ये अमाइनो एसिड्स हमारी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद सिंथिसाइज कर लेती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हम बॉन्डिंग देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स किस तरह से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं प्रोटीन्स बनाते हैं ठीक है लाइक एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कैसे लिंक करता है तो इनके लिंकेज में एक चीज़ स्पेसिफिक ये है कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जो है एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए इस तरह से हमारे पास एच और ओ OH एच जो है यहाँ से कंबाइन होकर वाटर बना लेते हैं और कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं थ्रू दिस बांड बोथ टू मोलिक्यूल्स ऑफ अमानो एसड्स कंबाइन टूगेदर इन दाम अमोलीक्यूल कार्डेज डापेप्ट इस तरह से थाउजेंड्स की तादाद में अमायनो एसिड आपस में कम्बाइन होते हैं और ये एक जेंज प्रोटीन मोलिक्यूल बना देते हैं तो इसमें जो लिंकेज बनता है इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं जो हमारे पास मोलिक्यूल ये फर्स्ट बन रहा है इसे डाईपेप्ट कहते हैं और अभी भी स्टिल हमारे पास देखें राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास फ्री जो है वो कार्बोक्सल ग्रुप अमायनो एसिड अमायनो ग्रुप प्रेजेंट है जो फर्दर अमानो एसड के साथ आगे लिंक करके बड़ा प्रोटीन मोलिक्यूल बनाते जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं जी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन प्रोटीन के सोसज़ की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास मोस्ट प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि एनिमल सोर्स से ली जाती हैं और बहुत सारी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो कि प्लांट्स सोर्स में से ली जाती हैं तो एक चीज़ इसके लिए होनी चाहिए कि हम हमारी डाइट में मतलब ऐसे ऐसी हमारी डाइट में हम जो प्रोटीन ले रहे हैं स्पेसिफिकली उन प्रोटीन्स के अंदर जो है वो इसेंशियल अमायनो एसिड ज़रूर होने चाहिए क्योंकि असेंशियल अमानो एसिड हमारी बॉडी सिंथिसाइज़ नहीं कर पाती तो इन सोर्सेज में हमारे पास हम देखें तो हमारे पास मीट है फ़िश है एग्स मिल्क चीज़

ओवरऑल हम अगर प्रोटीन के यूजेस की बात करें तो प्रोटीन जो है वो हमारी डाइट में मस्ट प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम जो है वो इनसे अमाइनो एसिड हासिल कर सकें ठीक है और प्रोटीन हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के टोटल वेट की बात करें तो उसमें सेवनटीन परसेंट जो है वो प्रोटीन्स होते हैं इसी तरह ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में फंक्शन करते हैं मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं फिर ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं फिर इसके अलावा एक प्रोटीन जो कि हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है जिसे हम जेलटिन कहते हैं वो भी जो है वो हमारे पास कहाँ से हासिल होती है जी बोन्स एंड टेंडोन्स जो एनिमल्स के होते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर हीटिंग से ये प्रोटीन, प्रोटीन जो है हासिल होती है जेलाटिन जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है इसके अलावा जो है वो हम बात करते हैं जी प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं बॉडी टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए नेसेसरी होते हैं ये सेल की पीएच मेंटेन करते हैं तो ये ऐसा बफर वर्क करते हैं और कुछ चूजेज़ में अगर हम देखें प्रोटीन्स के तो प्रोटीन जो हैं वो बॉडी में एनर्जी के लिए बी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके अलावा ये हमारी बॉडी में हर सेल की रिक्वायरमेंट्स में आते हैं फिर इसके अलावा हमारी बॉडी में हमारे हेयर जो हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं हमारे नेल्स प्रोटीन इन नेचर हैं हमारे मसल्स प्रोटीन इन नेचर हैं तो ये बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं इसके अलावा जो है हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन की ग्रोथ में स्पेसिफिकली जो चिल्ड्रन की फ़िज़िकल ग्रोथ है मेंटल ग्रोथ है उसके लिए हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर हम कहते हैं कि ड्यूरिंग द चाइल्ड ग्रोथ जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन डिफरेंट डिजीजेज़ आर काज लाइक हमारे पास फाशी और एक डिजीज़ आ जाती है जो कि अर्ली एज में चिल्ड्रन के अंदर जो है वो प्रोटीन की डैफिशंसी से काज हो जाती है तो बच्चों की डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है सो दिस इज़ होल about the proteins.